टी20 क्रिकेट में पहला डबल सेंचुरी, क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ दिया। आप सभी ने देखा होगा टी20 फॉर्मेट में कई ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन कोई भी बल्लेबाज आज तक टी20 फॉर्मेट में डबल सेंचुरी नहीं बना सके। लेकिन एक बल्लेबाज ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। दिल्ली के सुबोध भाटी टी20 फॉर्मेट में डबल सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने एक क्लब में टी20 टूर्नामेंट में 79 बॉल पर 205 रन की पारी खेली। इसमें 17 छक्के और 13 चौके शामिल थे। सुबोध की पारी के बदले दिल्ली 11 की टीम ने सिम्बा के खिलाफ एक विकेट पर 256 रन का टोटल स्कोर खड़ा किया। सुबोध के बाद टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के नाम था। उन्होंने IPL 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए पुणे वायरस के खिलाफ 67 बॉल पर 175 रन की पारी खेली थी। सुबोध ने टीम के 80% रन खुद बनाए, वो नॉट आउट रहे। बैटिंग के दौरान उनका स्ट्राइक रेट 259.49 का रहा। इनके अलावा दिल्ली 11 के दो और बल्लेबाज बैटिंग करने उतरी। इसमें सचिन भाटी ने 25 रन और कप्तान विकास भाटी ने 6 रन की पारी खेली। 30 साल के सुबोध ने दिल्ली का प्रतिनिधि करते हुए 8 फर्स्ट क्लास, 24 लिस्ट ए और 39 टी20 मैच खेले हैं। फर्स्ट क्लास में उनका नाम 147 रन, लिस्ट ए में 132 रन और टी20 में 120 रन है। इसके अलावा उन्होंने कुल 103 विकेट लिए हैं। फर्स्ट क्लास में उनका नाम 19 विकेट, लिस्ट ए में 37 विकेट और टी20 में 47 विकेट लिए हैं। 2015-16 सीजन में वे दिल्ली के रेगुलर स्टार क्रिकेटर रहे हैं। इंटरनेशनल टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच के नाम है। उन्होंने 2018 में जिम्बे के खिलाफ हरारी में 76 बॉल पर 172 रन की पारी खेली थी। इसमें 16 चौके और 10 छक्के शामिल थे। तो भाई उनके अलावा अफगानिस्तान के हजतुल्लाह जजाई में 2019 में आयरलैंड के खिलाफ 62 गेंद पर 162 रन की पारी खेली थी।